సో ఈరోజు సైట్ సీయింగ్ ఈ బండ్లో వెళ్తా ఉన్నాం. చూస్తే ఎన్ని ప్లేసెస్ కవర్ చేస్తారు. అసలుగా టైం తక్కువ ఉండి లేదంటే జస్ట్ వన్ డే లోకల్ ప్లేసెస్ అన్నీ కవర్ చేయొచ్చు అనుకుంటే, అంటే ఆటోలు ఎక్కి దిగి ఆ ప్లేస్లు కనుక్కొని ఈ పంచాయతీ లేకుండా దీంట్లో ఎక్కేస్తే నాకు 250 తీసుకుంటూ డైరెక్ట్గా ఇంకా తక్కువ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ ఈవినింగ్ దాకా 9 to 6 పైన కూడా బాగుంది. పైన కూర్చోడానికి ట్రై చేద్దాం, అప్పుడు కూడా వ్యూ బాగుంది. నీట్గా వస్తారు 9 to 6 అన్నారు, బట్ ఇదంతా ఇలా కొన్ని సీట్లు పైన కూర్చొని ట్రై చేస్తాం సార్. వెరీ బాగుంది. ఉంటుంది బట్ అందరు పైకే వచ్చారు, అందరికి ఇదే లైక్. ఓకే ట్రిప్లో ఫస్ట్ పాయింట్ బిర్లా మందిర్ అండి. ఎక్కడది? అక్కడ కోట ఉంది, అక్కడ టెంపుల్. ఫస్ట్ బిర్లా మందిర్ దర్శనం చేసుకుని అక్కడ నుంచి ట్రిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చూద్దాం లోపల ఉంటాం. ఈ బస్సు మాత్రం బలం. థ్యాంక్ యూ. మేబీ 15 మినిట్స్ టైం ఇచ్చారు. చాలా ప్లేస్ కవర్ చేస్తారు, చాలా మంది వచ్చారు. మాదక్ బస్సే అనుకుని వచ్చారు, అలాంటి ఓల్డ్ బస్సులు ఉంటాయి. టూ స్టాండ్ షూజీకి పెడతా, ఇంకొకటి లాగేసి చూద్దాం. మిషన్ బంద్ చేయట్లే. కార్పెట్ మన కోసం వేసినట్టు అంత వైట్ మార్పల్స్ వచ్చారు. రాజస్థాన్ టైల్స్ సంథింగ్ ఏదో రాజస్థాన్లో ఉంది కాబట్టి అలాగే అనుకో.
రాజస్థాన్ మ్యూజియం అండ్ ట్రెడిషనల్ మ్యూజియం. ఇట్స్ ఒక 40 మినిట్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడడానికి. చాలా టైం పడుతుంది, టికెట్ ఏం లేదు. కన్స్ట్రక్షన్ 52 రూపీస్ టికెట్. అదేం లేక వద్దాం వాళ్ళు చూద్దాం అంత ఏముంది అసలు. चेकिंग हो गए द म्यूजियम. సరే ఇది ఫ్రంట్ ఎంట్రన్స్, ఎన్సిసి గేట్ ఏరియా అంటే ఇది. సో మ్యూజియం ఇలా మెయిన్ రోడ్ పక్కనే ఉంటుంది. ఎంట్రీ అవుదాం. దీనికి ఏదో హిస్టరీ ఉంటుంది. డిజైన్ చూడడానికి అందమైన డిజైన్ ఇంకా బయట ఉంటాయి, మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే ఇంకా బాగా కనబడుతుంది అంట. వాళ్ళ అంటే ఆర్ట్
नमस्कार जी, मेरा नाम है नरेंद्र। जयपुर सिटी की जिस साइड पे आप खड़े में फेंका जाता है जंतर मंतर, और जंतर मंतर एक हिंदी भाषा का नॉर्मल शब्द होता है। जंतर से मतलब होता है यंत्र, और मंतर से मतलब यंत्रों की गणना करना। हिंदी में कहा जाता है वेदशाला, और इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जर्वेटरी। भारत में 5 जगह बने हुए हैं, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, और सबसे बड़ा बना हुआ है जयपुर सिटी के अंदर। सबसे बड़ा क्यों बना है? क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड, उनका होम टाउन जयपुर सिटी हुआ करता। नाम के अगर टाइटल लगता था सवाई, क्यों लगता कि नॉर्मल इंसान का माइंड काम करता 100%, उनका 100 में 25% एक्स्ट्रा। इसे एक्स्ट्रा थिंग, एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से उन्होंने पूरा ये ऑब्जर्वेटरी बनवाया और पूरा पिंक सिटी बनाया था। अब जंतर मंतर बनाया गया था 1728 में कंप्लीट हुआ। 4 ईयर लगे इसको बनकर कंप्लीट, तैयार होने के लिए। 2010 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट में इसको इंक्लूड किया गया। काम करता सनलाइट के अकॉर्डिंग, अगर सूर्य निकलेगा तो उसके सारे यंत्र काम करेंगे। अच्छा, सूर्य नहीं निकलेगा तो कोई भी यंत्र काम नहीं करेगा। अभी करेगा, अभी भी इंटैक्ट है। अच्छा, जितने भी यंत्र सबके अलग अलग फंक्शन है। अगर आसमान में बारिश हो रही है, थोड़ा क्लाउडी है, तो काम नहीं करेगा। वेदर क्लियर होना कंपलसरी है। अच्छा, तो जंतर मंतर हम लोग स्टार्ट करते हैं जयपुर सिटी की लोकल वॉच। आप लोग जो अपनी घड़ी में मोबाइल में टाइम देखते हैं, ये टाइम होता है IST टाइम, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कैलकुलेट कहाँ से होता है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास में जो है मिर्जापुर, इंडिया का शून्य सेंटर पॉइंट में से टाइम देखा जाता है। लेकिन 300 साल में राजाओं के पास में घड़ी वगैरह नहीं हुआ करता था, तो केवल जयपुर सिटी का जोन का टाइम देखने के लिए लोकल वॉच बनाया, जो आपको जयपुर सिटी का लोकल टाइम बताएगा, जो आज भी वर्किंग करता काम करता है। सूरज की घड़ी है, तो आपको टाइम बता दें कितना बजा, आपको जयपुर सिटी का लोकल टाइम बताएंगे, फिर आपका जो आज के टाइम देखता है आपको दिखाया जाएगा। ठीक, दीवार का जो एंगल है, यह है 27 डिग्री नॉर्थ पोल। वो क्यों है? क्योंकि जो ग्लोब है उसमें जयपुर सिटी जो पोजीशन है, वो इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा से 27 डिग्री, तो उसका एंगल है 27 डिग्री का। लेफ्ट हैंड पर जो व्हाइट मार्बल की स्लाइड प्लेट रखी है, आपको टाइम बताएगा 6 to 12 यानी कि मॉर्निंग टाइम। एंड राइट में जो प्लेट है 12 to 6 PM टाइम, वन साइड 6 क्लॉक, वन साइड 6 क्लॉक, टोटल 12-12, तो आपको टाइम बताएगा सुबह 6 से शाम के 6 बजे का। थोड़ा नदी का ही आ गया, सुबह 6-12 घंटे का। देखिए टॉप पे देखिए, कॉर्नर पे लिखा हुआ है थर्ड लैंग्वेज में सिख, संस्कृत के अंदर, क्योंकि उस जमाने में संस्कृत लैंग्वेज ही चला करती थी। 1728 तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, तो आपको टाइम बताएगा मॉर्निंग टाइम सुबह 6 से शाम के 6 बजे का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्लेट है, ये 1 आवर की एक प्लेट है। अच्छा, इसको डिवाइड कर दिया फोर्थ पार्ट में, 15, 15:30, 15:45, 15:60, 15-15 मिनट, फिर 5-5 मिनट में डिवाइड हो गया, 5-5, 10-5, 15, 5-5 मिनट, 1-1 मिनट में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, आप छोटी लाइनें देखिए 20 सेकंड से। अब देखिए सन की पोजीशन कहाँ पे, सन की पोजीशन यहाँ पे, और दीवार का शेड हो गया बैक साइड में, तो आपको टाइम बताया गया 12 to 6। अगर सन की पोजीशन यहाँ होती, दीवार का शेड इस तरफ बनता, तो आपको टाइम बताता ये मॉर्निंग टाइम, सुबह वाला टाइम। लेकिन सन की पोजीशन यहाँ है और दीवार की पोजीशन पीछे है, तो आपको टाइम बताएगा PM इवनिंग टाइम। अब इधर आइए आप, उधर कितना हो गया अपना 6 to 12, 12, अंदर आ जाइए आप लोग, देखिए बॉटम में फिर हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ हो गया 12, 12:05, 10, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे टाइम आ रहा है 15, 16 और 17, करीब 18 पे आने वाला भी आया नहीं है, तो 12:00 यहाँ पे करीब 17 मिनट टाइम आपको बता रहा है, 12:17 मिनट। ओके, अब आप जो टाइम देखते हैं
उसमें जो आज का डिफरेंस है यहाँ पे वो है 14 मिनट का, कहाँ का, इलाहाबाद का और जयपुर सिटी का, तो 14 मिनट का डिफरेंट है, तो 17 ये 18 हो गया, 18 प्लस 14 कितना होता है 18 और 14 कितने हो गए 32, तो 12.32 चेक योर वॉच टाइम, देखते हैं 12:32 ने 12.32 एग्जैक्टली सेम है, हो जाएगा अभी कुछ देर में 12.31 बता रही है। तो ऐसे आपको टाइम देखिए, छोटे छोटे स्मॉल हाउसेस बने हुए हैं, ये 12 राशि के 12 घर हैं। अच्छा ओके, जोडिशन साइन कितने होते हैं 12 उनके 12 हाउसेस बने हुए, इसी में से पर्टिकुलर वन हाउस वर्किंग कर रहा है, जनता के पीछे बना हुआ है लिब्रा, बाकी 11 डेथ है। 22 अक्टूबर के बाद में अपना लिब्रा राशि भी काम करना कर देगा बंद, फिर सन जंप कर जाएगा स्कॉर्पियो के ऊपर वृक्ष राशि की तरफ। अब आप यहाँ पे आते हैं, राशि नोट करने के बाद में फिर देखा जाता है प्लैनेट की पोजीशन है, नक्षत्र की पोजीशन। तो मुझे बताइए, आपसे जनरली क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्लैनेट्स कितने होते हैं ग्रह? 9 में से एक हट गया है, प्लूटो गया है, रह गए 8। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र ये थी, आप बताइए बताइए 27 एक कम बताया, नक्षत्र होते हैं अपने 27। तो जब आपको राशि के बाद में ग्रह नक्षत्र की पोजीशन देखनी होती है, तो देखिए जस्ट पीछे रिंग बने हुए, दो रिंग दिखाई दे रहे आपको, हाँ। रिंग बने थे बने, उसमें बीच में स्केल है, उसमें खोल है, होल में लगाते हैं टेलीस्कोप, तो तुला राशि के पास में रात के समय बड़े बड़े एक्सप्लोजर्स आएंगे, और कौन सी राशि के पास में तुला राशि के पास में लग्न और नक्षत्र की पोजीशन में जा रहे हैं उसी को कैलकुलेट करने के बाद में पूरा भविष्यफल बता देते हैं। आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपके बारे में पूरा बता देंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, आपकी मेरी लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, ये सभी चीज़ आज भी यहाँ के पुराने पूरे एक्सपोजर तैयार करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता तभी उसका भविष्य निर्धारित कर दिया जाता पहले, तो आज भी काम किया जाता है। तो ये काम कौन करते हैं? पुराने पुरोहित एक्सपोजर। अगर आप ही चीज़ में बिलीव करते हैं, अपने बारे में जानना चाहे समझना चाहे, तो टूर के दौरान अगर आप एक पॉइंट आएगा आगे आपका, आपकी गाड़ी होल्ड होती है वहाँ, तो वहाँ कुछ पुराने पुरोहित लोग हैं जो एज होई वर्क करते हैं, छोके तुरे पैसा नहीं लेते हैं, वो आपका हाथ देखते हैं। इसके अलावा अगर हाथ के अलावा अगर आपकी डेट बर्थ डेट मालूम हो, पैलेस मालूम हो, टाइमिंग मालूम हो, तो भी आपका पूरा कुंडली बना देते हैं, जिसका पैसा नहीं लेते हैं, चीज से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अगर आप इस चीज़ में जानना चाहें तो अपने गाइड साहब है राज सिंह जी, उनसे संपर्क कर दीजिएगा, आप उनसे पूछिएगा, आपको मिलवा देंगे। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 5-7 मिनट का समय लेते हैं, और खास बात ये पैसा नहीं लेते हैं, ये जो होई वर्क करते हैं। आइए आगे आइए, और
चले चले Thank you.
ये बाहर। हाँ कहाँ पे वो अंदर वो बोल रहे कुछ सर्फ नहीं है। अरे वो अंदर जाए तो खरीदो खरीदो दिमाग चढ़ता है इसीलिए जाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे बात बड़ी मिल जाएंगे। अरे ले लो निकलने के बाद बारिश में तो बिल्कुल जाने नहीं है। कहाँ लिखा है ये नहीं गाड़ी के नंबर में खींचा है देखना पड़ेगा।